करें ब्रज में कुतना बजे तुम कुतना बड़ी सरस्वती आए थे प्रभु का स्वागत करने के लिए आए बड़ी सुंदर अभी कुछ गोपियां जा रही थी नंद भवन में दिखने में ये पुतना उनका अंदर में हिल मिल करके भूल गई और सीधा नंद भवन में चली गई और मैया जसोदा और श्री रोहिणी कृष्ण को पल्ले में झुला रहे थे इतने में पुतना गई और सीधा कृष्ण को पकड़ लिए और उनने गोद में उठा ली बोले मैया मैया इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झुलाते हैं उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए कृष्ण का जब उसने उठा ली कृष्ण आग बंद कर दिए बोले आग क्यों बंद किए पर हमारे टीकाकार उसको पांच कारण बताते हैं आज मैं बताऊंगा कल आप से मैं सुनूंगा ठीक है जैसे कल मेरे रंगा कौन वर्ग बता बता है पहला कारण है कृष्ण क्यों आग बंद किए पहला कारण बताए भैया पुतना पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य किए क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आप तनाई लेकिन उसने मेरे को गोद में उठा ली जैसे भैया जैसे बच्चे को गोद में उठाती है इसलिए कृष्ण आंख बंद करके उसको पूर्व जन्म को दे रहे हैं बोले सचमुच से ये पुण्यात्मा है मैं जब बामन अवतार लेकर के बलि महाराज के घर गया था ये बलि महाराज की बेटी रत्नमाला थी इसकी मन में इच्छा हुई थी मेरे घर में ऐसे के लाला होता ना तीन बार उसको गोद में लेकर प्यार कर उन्होंने इसलिए आंख बंद करके पूर्व जन्म को देख रही थी दूसरा कारण बताया गया दारी के तो कहां पर आई है बच्चों को मारने के लिए खून पीने के लिए जानते हो ये ब्रज में सब बच्चे कौन है मेरे सखा सखी कोई तो ललिता विशाखा चंपक लता कोई तो दाम वसुदाम श्रीदाम मधुमंगल इनको मारने के लिए आई तेरे में मुंह देखना नहीं चाहता हूँ इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी कितना कारण होगा दो कारण तीसरा कारण बता रहे लेकिन वो मातृभाव से उसने गोद में लिए अब तो भगवान मारेंगे कृष्ण क्यों आए जगत में बोले परित्राण आय साधु नाम बिना सायत दुष्टता दुष्टों को विनाश संतों को पालन करने के लिए प्रभु आए प्रभु पहला श्री गणेश घर में जा रहे पहला उन्होंने पुतना को मारे लेकिन मारे तो वही पुतना छटपटाएगी प्रभु सोच रहे हैं लेकिन ये तो माँ के रूप धारण करके आई अभी छटपटाई हो इसके दुख मैंने कैसे देख सकती हूँ इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दिया कितना हो गया तीसरा हो गया चौथा कारण बताए आंख बंद करके उन्होंने शंकर जी को बुलाए शंकर जी को क्यों बुलाए बोले भगवान के गर्भ में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड अभी हम कथा सुनेंगे जब भगवान जहर पान करेंगे पुतना के स्तन से विश्व ब्रह्मांड की ध्वंस हो जाएगा सारे देवता घबरा गए बोले हे प्रभु ये पुतना के स्तन में दूध नहीं हो तो विष लेकर के आई मारने के लिए अगर आप विष पान करोगे आपके गर्भ में विश्व ब्रह्मांड है ना सबके सब ध्वंस हो जाएगा इसलिए हे प्रभु आप स्तन पान मत करो कृष्ण आंख बंद करके भोले बाबा को बुलाए बोले भोले जल्दी जल्दी यहाँ बोले क्यों बोले तेरा काम विष पीना मेरे काम दूध पीना तो विष विष को पी ले और मैं दूध दूध को मैं पी लूंगा ये एक आदमी पंचमा कारण बताए बच्चों का एक स्वभाव क्या स्वभाव है अपना घर का कोई सदस्य हो उसको सामने बच्चे तो खेलते कूदते हैं अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए फिर डर जाते हैं इसलिए कृष्ण सोचा कि दारी के कहाँ से आ गए इसको हमने कभी देखो ही ना ये कहाँ से आ गए इसलिए मानव कृष्ण डरते हुए उन्होंने आंख को बंद कर दिया जब कृष्ण को मुंह में स्तन दी लेकिन दूध तो की नहीं जहर जहर इतने में कृष्ण उसको प्राण को उन्होंने शोषण की उतना देखिए ये क्या कर रहा है लग रहा है जैसे मेरे प्राण को हरण कर रहा है कृष्ण को छुड़ाने के लिए कोशिश की कृष्ण ने कहा देखो एक बार जिसको मैं पकड़ लेता हूँ ना मैं कभी छोड़ना सीखा ही मैं जब तक अपना चरण में नहीं पहुंचा तो उसको तो तुम्हें छोड़ता नहीं और तुम मेरे माँ बन करके आई फिर मेरे को दूध पिलाई फिर को मेरे को गोद मिली मैं कभी तेरे को छोड़ सकती कभी बोलो तो वृंदावन में पहुंचा कर मेरे छोड़ूंगा इतने में कितना सोच रहे हैं किसी तरह से अगर मैं मथुरा ले जाऊं भैया कंस कुछ ना कुछ करेगा इतने में पुतना कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ चली जब उड़ चली कंस का एक सुंदर बगीचा थी सबसे प्यारा जितने तरह का फल फूल से लदा हुआ था लेकिन कंस का निर्देश था ये बगीचा की कोई भी फल और फूल कृष्णा और कृष्णा भक्त की सेवा में नहीं
मेरे लिए और मेरे अनुयायी जितने हैं उनको मिलने चाहिए। कृष्ण ने कहा दारी के दुनिया मैंने बनाया, सब कुछ मेरा है और मेरे को नहीं मिलेगा और मेरे भक्तों को नहीं और जितने दुष्टों को मिलेगा अभी मैं दिखाता हूँ। उसने पुतना को उड़ा कर उन्होंने वहीं पर ले लिया और उन्होंने बगीचा में उन्होंने ऐसे फेंका पूरा जितने पेड़ पौधा था सबके सब उन्होंने सत्यानाश कर दिया। देखो यहाँ पर हमारे टीकाकार कहते हैं भैया इसकी तात्पर्य क्या, देखो ध्यान देकर सुनो, कम से कम आज इतनी शिक्षा लेकर के जाओ ये भगवान क्या शिक्षा देते हैं। ये उपनिषद में बताया कि दुनिया में जो कुछ देख रहे हैं ये भगवान का दुनिया, दुनिया हमने बनाया ना भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया। फिर क्या करो, बोले हर वस्तु को उनको देख करके खाओ। कृष्ण कहते हैं अगर मेरे को देख करके खाओगे ना फिर तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, सारे पाप से मुक्त हो जाओगे। कृष्ण कहते हैं अगर मेरे को दिए बगैर खाओगे बोले भुन जाते तू पापा, वो केवल पाप पाप ही भोजन होगा। और उपनिषद कहता है स्वाम विष्टा समचर, जो ठाकुर को भोग नहीं लगेगा कहते कुत्ते का विष्टा खाना वो दाल रोटी सब्जी खाना बराबर, और जो पानी कहते पेशाब का समान, क्यों ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, अगर ठाकुर जी को भोग लग जाता है वो अमृत हो जाता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन प्रसादे सर्व दुखाना, मेरे को जो भोग लगा कर खाएगा उसको घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा, घर का जितने समस्या घर का जितने दुख कष्ट उसको शांत हो जाता है, क्योंकि मेरे को अर्पण करके मेरे प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं। हर भगवान को भोग लगा कर खाना घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, लक्ष्मी खुवाएगी रुपया पैसा खुवाएगी, अगर बिना भोग लगाए खाओगे फिर गरीब होकर जल्दी बढ़ दो। इसलिए हम लोग कृष्ण लीला देखे होंगे, कृष्ण सुदामा जब जंगल में जा रहे थे तब उनको गुरु माता ने सुदामा को चाना दिया, बोले कृष्ण को देख कर खाना, लेकिन उसने क्या किया छुपा करके कृष्ण से खाया, इसलिए इतने दरिद्र उसको भोगना पड़ा। लेकिन धनी का बना, फिर जब कृष्ण को दर्शन के लिए गया उसने दो बड़ी चिड़वा लेकर खाए, कृष्ण दो बड़ी चिड़वा खाया तो उसको त्रिभुवन का राज्य दे दिया है। इसका मतलब है घर में अगर ठाकुर को भोग लगा कर खाओगे घर में मां लक्ष्मी की कृपा होगी, ठीक है ना, लगा कर खाओगे खाओगे घर में। लेकिन एक दिक्कत है अगर प्याज लहसुन खाएंगे तो फिर भोग ले लेगा, इसलिए प्याज लहसुन का त्याग देनी चाहिए, हमें प्याज लहसुन में त्याग देनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कल हम सुन रहे थे ये प्याज लहसुन बना कहाँ से, जब भगवान सुदर्शन चक्र से सोलभाग दैत्य को उन्होंने काट डाले जहाँ पर मांस ग्राम उनसे प्याज हुई, जहाँ पर उनके हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन की पौधा हुई, जहाँ पर खून का बूंद गिरा वहीं पर लहसुन डाल हुई। आप लोग नवरात्र करते हो, नौ दिन तक प्याज लहसुन खाते ही नहीं, बोले क्यों नहीं खाते, कारण है माता जी को पसंद नहीं, क्या नौ दिन तक मैया के खुश रहो कभी खा करके नाराज कर दो, इसलिए जो चीज ठाकुर को पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं खानी चाहिए। लेकिन हम लोग कहते हैं भाई स्वाद नहीं आता है, अगर सब्जी में नहीं डालेंगे ना हमें स्वाद नहीं आता, नहीं बोले देखो तुमको बच्चे को ना पीछे ले जाओ पता जी, हरी बोल ये बच्चे को ना अब पीछे लेकर बैठे ब्रश वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग कहते भैया स्वाद नहीं आता, नहीं स्वाद नहीं है, आप लोग देखना हर सब्जी में दाल में एक उसका असली स्वाद है, लेकिन जब प्याज लहसुन डालते हो उसका तो स्वाद खत्म, और स्वाद किसके आती है, प्याज की बदबू आ गया और उसको बदबू को लेकर खत्म स्वाद रखा। आप कुछ दिन ही प्याज लहसुन मत खाओ, देखना कुछ दिन बाद में क्या प्याज कटेगी ना, आप बैठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, आपको इतना बदबू लगेगी, वो बदबू को खा खा कर अपने स्वभाव बना दिया फिर स्वाद लगता है, स्वाद नहीं। आप नौ दिन तक व्रत रखते हो, जैसे देखो अपना घर में रोज ठाकुर आप रोज खाना खाते हो, कोई अगर तिथि त्योहार आ जाए जिस दिन ठाकुर को भोग लगाकर खाना खाते हो आप देखना उसमें एक अलग स्वाद आए, आता ही नहीं, क्यों ठाकुर जी को भोग लगा करके खाना खाए, अगर रोज अगर भोग लगाकर खाना खाओगे भगवान अगर कोई खाना को खाए ना उसमें अलग टेस्ट आ जाती है, क्यों ठाकुर जी वो चीज को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, ठीक है। एक काम करना घर से प्याज लहसुन को
नहीं खाना, भगवान को भोग लगा कर खाओ। देखो आपने स्वयं देख लेना किसकी घर में परेशानी है। आप देखो अगर प्याज लहसुन के भगवान कृष्ण को भोग लगा पुलिस दल देखे, सारे बच्चों को खिला, सारे पति को खिला, देखना तुम्हारी घर में कितने शांति की वातावरण आएगी। रखना जैसे खाओ रखना वैसे होगा मन। अगर भगवान की प्रसाद खाओगे मन में शांति आएगी, सुख आएगी, है मन में शांति आएगी। आप स्वयं के काम को करके देखना। इसलिए एक ही कोशिश करना, घर में भोग लगा करके ठाकुर जी को खाना खाओ। अभी उतना जो लेकर के गिराया सबके सब तसनस कर दिया, शिक्षा दिया, अगर मेरे को मेरे लिए अगर कोई चीज नहीं फिर तो और चीज को मैं तसनस कर देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। सारे ब्रजवासी आए, देखा पुतना मरी पड़ी हुई, पर इतने बड़े सैनिकों की आग किया जाए, आग लगा दो। जब आग लगाए उससे चंदन कर्पूर अंगूर की खुशबू आई। बोले क्यों, आप देखना किसी व्यक्ति को मरते हुए जल जले बदबू आती है, इसकी शक्ति से चंदन अंगूर को खुशबू क्यों आ रही थी? चूंकि भगवान उसको स्तन पान किया था। है तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया हरे स्तनम तत्वा अपसद्गति। कहते भैया भक्ति करना तो कृष्ण को, बाकी बिहारी को भक्ति करो। देखो क्यों, कारण क्या देखो, हम कृष्ण को भक्ति क्यों करें? तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पुतना जब गई थी उसका अंदर में सारे अपगुण नहीं, कोई भी अच्छे गुण नहीं। पहला नंबर पुतना, पुतना मतलब क्या, पूत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं जो अपवित्र थे। दूसरा नंबर बच्चों को खून पीने वाली थी। तीसरे नंबर राक्षसी। चौथा नंबर कृष्ण के लिए बीस लेकर गए थे, इतने अपगुण। लेकिन हमारे कृष्ण को देखो, बोले गुना अवगुना प्रभु देखो ना, कृष्ण ने उसको अपगुण के प्रति कोई नजर नहीं दिया, लेकिन उसने जो एक माँ की रूप केवल धारण करके गई थी, ठाकुर जी इतने ही प्रसन्न हो गए और उसको गोलोक वृंदावन में स्थान दे दिया। गोलोक वृंदावन में अगर कहते कीम पुण्य सदया भक्तिया, अगर कोई प्रभु को भक्ति पूर्वक भक्ति करे आप सोच नहीं सकते ठाकुर जी ने क्या देने है। लेकिन अगर दूसरे देवादेवी को पूजा करो, अगर तुम्हारी भक्ति पूजा में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए ना, उल्टा लेने का देना पड़ेगा, वो तुम्हारी गुण नहीं देखेंगे, तुम्हारी दोष देखेंगे। दूसरे देवादेवी तुम्हारी गुण नहीं, तुमको दोष देखेंगे। लेकिन कृष्ण ऐसे जो व्यक्ति है तुम्हारी दोष नहीं देखेंगे ठाकुर जी, तुम्हारी गुण ही देखेंगे। बोले ऐसे क्यों, बोले कारण है जो कृष्ण है ये हमारे पिता माता है। इसलिए बोले तुम्हें वो माता जो पिता तो नहीं हो। जैसे अगर एक बेटा मैया की गोद में टाटी पेशाब कर दे, मैया क्या फेंक देती है ना, उसको साफ करती है, उसको साफ करती है। कृष्ण हमारे पिता माता है, अगर कोई गलती हो जाएगी ना, कृष्ण हमारी गलती नहीं देखेंगे। हमारे अंदर में जैसे छोटा बच्चा देखना, वो तुतरी तुतरी बोली से पापा पापा मामा मामा बोलता है और पिता माता उसी से ही खुश हो जाती है, उसे खुश हो जाती है। इसलिए कृष्ण हमारे पिता माता है, अगर कोई गलती होगा तो ठाकुर जी नहीं देखेंगे। लेकिन दूसरे देवादेवी वो नहीं, वो पूरा के पूरा उल्टा रिएक्शन होगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भक्ति करना तो श्री वाक्य बिहारी की भक्ति करो। बोले श्री वाक्य बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। बोले कृष्ण पुतना को सबसे पहले तुम्हारे कृष्ण शिक्षा देते हैं, अगर हृदय में ठाकुर को बैठना चाहते हो सबसे पहले पुतना को मानना पड़ेगा। पुतना मतलब पुत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र को पहले हटाओ। इतने में जब पुतना आ गई, नंद बाबा को जब ये बात पता चला, बोले खबरदार अंदर में एरे गिरे व्यक्ति को घुसने मत दिया करना, एकदम गेट पर एकदम कड़ी पहरा कर लगा दी, कोई एरे गिरे व्यक्ति घुस नहीं सके, आने से पहले मेरे और जसोदा से आदेश लेना पड़ेगा। इतने में श्री भले बाबा, आपको पता शंकर जी का बेस केस है सत्यम शिवम सुंदर, लेकिन नाम तो सत्यम शिवम सुंदर, लेकिन शंकर जी का जो ड्रेस है ना बड़ा पवित्र है। शरीर में कोई स्नो पाउडर नहीं लगाते क्या, बहुत लगाते। बोले कहा कि कोई पवित्र नहीं, वो शमशान की बहुत लगाते। बोले क्यों, क्या उनको कोई स्नो पाउडर कोई चंदन नहीं मिला,
कारण क्या बोले कारण है जगत तो वो शिक्षा देते हैं जिस शरीर को तुम इतने प्यार करते हो इतने सजाते हो ब्यूटी पार्लर में लेकर सजाते हो कि शरीर एक दिन दो विराम बन रहा है इसलिए देखना संकट जी कहाँ बैठे हुए देखना शमशान के पास में बैठते हैं क्यों वहां क्यों बैठते कारण है सारा दुनिया को देखते रहते हैं जैसे राम नाम सत्य करते करते सब लाते हैं और वहीं पर जलाते हैं अब देखना जब कोई व्यक्ति शमशान में किसको जला के ले जाए थोड़ी देर समय के लिए उसके हृदय में बैठ जाता है सचमुच से संसार किसी कुछ भी नहीं सारा दुनिया उसको सब छोड़ करके जाना पड़ा सब उसको छोड़ कर थोड़े समय के लिए बैराग जाता है इसलिए शंकर जी वहीं पर बैठ बैठते हुए सारे लीला को देखते रहते हैं और देखते भैया संसार होता है इसलिए नाम करना तो ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए इसलिए शंकर जी ये बहुत लगाते हैं कि शरीर की अपवित्रता को शंकर जी दुनिया को शिक्षा देते हैं शंकर जी सत्य शंकर जी के ऊपर में कौन सा गुण चढ़ता है कोई जूरी बेली चमेली नहीं धतुरे और आकृत का गुण बोले क्यों ये अच्छे अच्छे फूल का शंकर क्यों ग्रहण नहीं करते हैं तो मैं तो प्रभु का सेवक हूँ जो मेरे वाक्य बिहारी नहीं लेते हैं वो फूल को मैं स्वीकार करता हूँ इसलिए उन्होंने धतुरे और आकृत जो वृक्षों को कोई नहीं लगाते उसी फूल को शंकर जी स्वीकार करते हैं शंकर जी की हार क्या है अलंकार शंकर जी के कौन सा अलंकार है कोई कोई सोने चांदी नहीं पहनते शंकर जी सारा शरीर में सर्प है गले में सर्प कमर में सर्प हाथों में सर्प है बोले क्यों बोले ये सर्प कौन है बोले श्री अनंत थे शंकर जी के ये गुरु है अगर भूषण रूप में धारण करना तो अपना गुरु को उपदेश को भूषण रूप में धारण करो तुम्हारे जीवन पार हो जाएगा इसलिए शंकर जी सबसे बड़े संत है वैष्णव है लेकिन शंकर जी हर समय अपने आप को छुपाना चाहते हैं लेकिन छुपाना चाहने पर भी छुपा नहीं पाए बोले क्यों बोले शंकर जी में सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी बता सकते हो शंकर जी में सबसे पवित्र वस्तु कौन बोले कौन है कहते गंगा है उनको जटा में श्री गंगा देवी है ये गंगा भगवान की चरणामृत ये गंगा है इसलिए शंकर जी पवित्र वस्तु को धारण कर रहे थे इतने में श्री भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए अलग निरंजन अभी शंकर जी का ड्रेस को देख करके ना शरीर में बिच्छू सांप लटक रहे जटाजुट धारण करके रखे अभी वहां पर एक जो पहरेदार थी इतने में शंकर जी ने कहा मैंने सुना है नंदक घर में लाला भाई बोले लाला भाई तो तेरे का भाई भाई बोले थोड़ी लाला को दर्शन कराए थे बोले बाबा तू ऐसे वेश धारण करके आए हो तेरे को देख कर मेरा धड़कन तेज हो गया मैं ही डर रही हूँ और मेरा लाला को छोटा सो बड़ी जल्दी नजर लग जाती है और कुछ दिन पहले कुटन आ गई थी वो तो बड़े सद्धज करके आए थे निकली राक्षसी और तू तो देखने में बेचने गए बाबा लाला के दर्शन नहीं होगा सोना चांदी जो कुछ लेना लो अपना रास्ता देखो उसने जाकर के मैया को बोल दी और मैया आकर के देख करके डर गई बोली बाबा कहाँ बात है बोले मैया तेरा लाला को दर्शन कराते बड़ी आशीर्वाद तुमको है लाला का बड़े सुंदर आशीर्वाद तुमको बोले बाबा पहले पुतना आ गई थी तू तो देखने में बेच लग रहे हो उन्होंने तो कृष्ण को लेकर धरती पड़े में छुपा दी शंकर जी त्रिशूल धारण करके बैठी गई बोले जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे तब तक जाऊंगा नहीं यहाँ से बोले घर से लाला को निकालोगी नहीं बोले मेरे चार दरवाजे हैं यहाँ पर तू इधर बैठोगे ना दूसरे दरवाजे में निकाल लूंगी बोले मैं चार मूर्ति बन करके चार दरवाजे में बैठ जाऊंगा इसलिए आप नंदगांव में जाओगे ना वहां पर चार दरवाजे में चार शंकर जी बैठे हुए हैं बोले चार दरवाजे में बैठ जाऊंगा किधर से निकालूंगी लाला को इतने में शंकर जी वहीं पर बैठे करके भगवान को ध्यान करने लगे बोले ठाकुर जी तुम्हारी सारे लीला हमने दर्शन की लेकिन ये बाल गोपाल स्वरूप दर्शन नहीं किया एक दर्शन दे दे प्रभु प्रभु भक्त वत्सल है कृष्ण रोना शुरू कर दी मैया जितने थपथप लगाए उतने जोर जोर से लाला रोए पूरा परिवार परेशानी परेशानी हो गई बोले आज लाला को क्या हो गया रोना बंद नहीं हो रहा है एक गोपी ने कहा भैया जो बाबा है ना वो वहीं पर आंख बंद कर बैठा हुआ त्रिशूल गाड़ रहा है वो लगता है मन मन में कोई जादू ना कर रहा है इसलिए तेरे लाला के ऊपर नजर लग गई वो कहते हैं लाला के दर्शन वगैरह जाएगा तो दर्शन करा दे लाला को भैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके बूटी बूटी काजल काजल का बूट लगा दी
गले में काला धागा बांध करके बड़ी कष्ट से ला करके एक झलक शंकर जी को दर्शन कराए। दर्शन करते शंकर जी तो हंस रहे थे, शंकर जी रोना शुरू कर दिया। कृष्ण रो रहे थे, कृष्ण ने देखला कर हंसने लगे। भैया बोली बाबा बुझना, क्योंकि लाला का रोना तो ले लिया और अपना हंसना लाला का दे दिया। जरूर ये बाबा को जानता है। बोले बाबा तेरे कुछ जादू रोना जानते हो? बोले और क्या, अगर माताओं को पता चले ना, भैया ये बाबा हाथ देखना जानता है, जादू न देना घिर जाएंगे। बोले बाबा मेरे हाथ देख लो, बाबा मेरे हाथ देख लो। अभी तो शंकर जी को समझ सब घिर गए। बोले क्या चाहिए? बोले लाला को बड़े जल्दी नजर लग जाती है, तेरे पास में कोई उपाय है? बोले अगर एक काम करोगे ना लाला को कभी भी नजर नहीं लगी। बोले बता दे। बोले लाला को जब स्नान कराओगे उसका पानी ला कर मेरे सर में डाल दो, क्योंकि वो जो गंगा है ना जटा में, गंगा कौन है? बोले बामन देव का चढ़ा देता है, इसलिए आप जो ना कांवर लोग पानी लेकर गंगा पानी लेकर शंकर जी के सर पर डालते हैं ना, शंकर जी क्यों खुश होते हैं? बोले गंगा श्री ठाकुर जी की चढ़ा देता है, कृष्ण की चरणा पे चलिए गंगा है, इसलिए मेरे सर पर डाल देना। बोले बाबा सो कर दूंगा। बोले और कुछ करना? बोले और एक काम कर दो, तो नजर भी नहीं लगता। बोले बता दे। बोले लाला को जब खाना खिलाओगे वो प्लेट में जो बच जाएगा उसको मेरे को दे देना। बोले बाबा दे दूंगा। देखो ये 5,500 साल पहले की बात, अगर आप नंदगांव में जाओगे ना कभी देखोगे ठाकुर जी के मंदिर से वहां पर एक धारा वहां पर आई, जब ठाकुर का स्नान कराते ना उसी तरह पानी आकर के शंकर जी के सर को भर लेते। और पहले जब ठाकुर जी को भोग लगता है वो प्रसाद सीधा शंकर जी के पास में आएगा, शंकर जी खाएंगे फिर ये प्रसाद दुनिया को मिलता है। जगन्नाथपुरी कौन कौन गए आप देखना, वहां पर माता देवी बैठी है, वहां पर श्री है, वहां पर बिमला देवी है, सब जगह में प्रसाद, लेकिन जगन्नाथपुरी प्रसाद नहीं महाप्रसाद। बोले क्यों? भगवान को जब कोई चीज भोग लगे वो प्रसाद है, लेकिन वही प्रसाद भगवान की कोई प्यारे भक्त को जो भोग लगेगा वो प्रसाद नहीं वो महा महाप्रसाद होगा। इसलिए शंकर जी परम वैष्णव है और जो माता जी ये परम वैष्णव है, हां माता जी का इतना वैष्णव देवी, वैष्णव देवी का क्यों नाम पड़ा? बोले भगवान विष्णु को आराधना करती है, इसलिए नियम है सबसे पहले खाना भगवान कृष्ण को भोग लगा ठाकुर जी को, वो प्रसाद को जितने 33 करोड़ देवता है अगर ठाकुर जी का भोग लगाओगे ना बड़े प्रसन्न होते खुश होते। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, लड्डू लेकर के हनुमान जी को मुंह में ठोसते हैं, खावा नहीं क्या हनुमान जी भूखे खाने लड्डू खाएंगे? बोले एक मन क्यों, अगर 1,000 मन भी उनके सामने लड्डू रख लो ना हनुमान देखेंगे भी नहीं उसको तरह। बोले क्यों? आप देखना जब राम दरबार में हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? चरणों में बैठते हैं। इसलिए सबसे पहले भगवान राम खाएंगे, उसके बाद में माता जानकी खाएगी, फिर तो हनुमान को देने का जरूरत नहीं, हनुमान लपक कर खा लेंगे। अगर बगैर प्रभु के प्रसाद के बगैर भले ही कितने खिला दो हनुमान देखेंगे कि नहीं उस तरह। इसलिए पहले भगवान को देख करके फिर सारे देवा देवी को दो। अब जगन्नाथपुरी में जो जो गए आप देखे होंगे जगन्नाथ जी की चारी तरफ में 33 करोड़ देवता, सारे 33 करोड़ देवता वहां बैठे हुए। जब जगन्नाथ जी भोग लगता है वहां पर जो मजरा है ना वहां पर बहुत इतना बड़ा मजरा होता है और एक पंडा लेकर के मजरा को ऐसे करते करते पूरा जगन्नाथ मंदिर में परिक्रमा करता है, पूरा ऐसे बजाते बजाते। बोले ऐसे क्यों करता है? वो जितने 33 करोड़ देवता को निमंत्रण देते हैं, हे देवताओं ठाकुर जी की मां के बिहारी जगन्नाथ जी को भोग लग गया है, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, अभी सबको प्रसाद मिलेगा, आप सबके स्वभाव सबके स्वभाव, इसलिए लेकर के सबको निमंत्रण देते हैं। फिर सारे 33 करोड़ देवता आकर के श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना? इसलिए कोई भी चीज जो पहले कृष्ण को भोग लगाओ फिर सारे देवा देव को लगा दो, बड़ी प्रसन्न होकर के आप उनको जो कुछ मांगोगे वो आपको सब कुछ दे देंगे, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कितने बड़े हो गए? जब एक बच्चा करवट ले 3-4 महीना में करवट लेता है
एक दिन कन्या ने करवट ले ली, मैया तो इतने खुश हो गई, मेरे लाला के शरीर में ताकत आ गया, लाला अपने आप करवट ले लिया। उनने सारे ब्रज गोपियों को बुलाए, बोले आज घर में हम कीर्तन करेंगे और अपना आंगन को साफ सुथरा करके जितने दूध दही बैलगाड़ी पर ऊपर कर दी और जितने कृष्ण को स्नान करा के उसने बैलगाड़ी को नीचे लेकर दी और गोपियां आकर के बैठी गई और बड़े सुंदर कीर्तन कर रही थी। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी बगरे रंग काला, जियो श्याम लाला। कीर्तन का आनंद लेना चाह रहे हैं। देखो जैसे कृष्ण नाम से कृष्ण भक्ति से हम अच्छी लगती है, कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन अच्छी लगती है, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा किसको बढ़िया लगता है? आप बता सकते हो कृष्ण का कीर्तन कृष्ण का भजन सबसे ज्यादा किसको प्यारा लगता है? किसको बोला था? किसको बोला था? किसको? राधा रानी का भी कीर्तन किसको प्यारा लगता है? कृष्ण। देखो भगवान की जो कीर्तन कथा है ना, कृष्ण को राधा रानी को जितने प्यारा लगता है उसको उतना प्यारा नहीं लगता है। देखो ये सही वर्णन से हो, एक संत जयपुर के श्री गोविंद जो गए देखे होंगे, एक संत हर साल आकर कथा करता था, अभी कथा करके चला जाता था, फिर साल में एक बार आता था, साल में जो फिर आया वहां पर जो कथा सुन रहे थे उनसे प्रश्न किया, बोले तुम लोग ये बताओ पिछली बार मैंने जब आई थी कथा कहां तक मैंने की थी, फिर उसको बाद में फिर मैं कथा सुनाऊंगा, बताओ कौन बोलेगा? बोले भैया एक साल पहले कथा बोले तो सब भूल गए, आज जो खाते हैं कल के लिए याद नहीं रहता है, और एक साल पहले कथा सुनाए तो थोड़ी याद रहेगी, सब तो इधर उधर देखने लगे झांकने लगे। इतने में वो संत ने कहा लगता है यहाँ पर कथा कोई सुनता नहीं, यहाँ पर कथा कोई ठीक से सुनता नहीं, जो कितने बोले ना ठाकुर जी के मंदिर से आवाज आ रही। बोले बाबा आप कैसे कह रहे हो यहाँ पर कोई कथा नहीं सुनते, मैं कथा सुनता ना, ठाकुर जी कृष्ण स्वयं कह रहे। बोले कथा मैं सुनता हूँ ना, आपने यहाँ पर कथा की थी, इसको बाद में फिर इसको बाद में ये कथा शुरुआत हुई, भगवान स्वयं आवाज देते हैं। इसलिए कली युग में क्यों कृष्ण राधा जी की भाव अमृतादि लेकर महाप्रभु रूप में क्यों आए, कारण यही था कृष्ण कथा इतने सुंदर, कृष्ण इतने सुंदर, कहते हैं ना बांके बिहारी की देख छटा भैरव मन में हो गयो लटा पटा, बांके बिहारी इतने सुंदर उनकी कथा रूप रूप कृष्ण स्वयं सुन करके पागल हो जाते हैं कृष्ण। अभी कृष्ण चाह रहे थे भैया मैं भी थोड़ा आऊं अपना भजन का कीर्तन का मैं थोड़ा आनंद लूं। अब कृष्ण अभी कितने उम्र के हो गए, कृष्ण अभी कितने साल के हो गए बोलो, इसने जल्दी भूल जाते हैं, केवल कृष्ण 3-4 महीना के बच्चा जब करवट लेता है, कितना दिन में करवट लेता है बच्चा बताओ, कितने दिन में? 3 महीना में।
कृष्णा भी 3 महीना के, अभी कृष्णा गुठन पर भी चलना कृष्णा नहीं सीखे, अभी कीर्तन में आए कैसे? बच्चों का जो बल रोना, अगर बच्चा रोए ना भैया क्या करती है, उठा करके ले जाती है। कृष्णा सोचा मैं अगर रो थोड़ा फिर भैया मेरे को लेकर कीर्तन को बीच में ले आ रही है, कृष्ण तो रोना शुरू कर दी। लेकिन वहां पर तो गोपियां जोर जोर से गा रही थी, भैया किसको क्या लेना क्या देने में लगी हुई थी, लेकिन भैया की तान में रोने की आवाज पड़ी नहीं। कृष्ण रो रो कर बोले भैया कब तक रो, इतना तो रो लियो, अरे कब तक रो। इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जो माया कंस को बनना थी, और कंस ने एक सगड़ा सुर भेज दिया। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्पन्न था, एक दिन लोमहर से ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया, सारे पेड़ पौधा उसने तसनस कर दी। ऋषि को क्रोध आया, पर इसलिए तो मोटे छोटे बने संतों के ठाकुर के बाप को उजाड़ने के लिए, जिस शरीर में तेरी इतना अभिमान, तेरे शरीर ही नहीं रहेगा। देखो सतमुच उसका शरीर गायब होने लग गया, सारे नशा उतर गया, ऋषि के चरण में गिर पड़े। बोले मुक्ति कैसे मिलेगा? बोले कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे इनके चरण के स्पर्श से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अभी उसको ही कंस भेज दिया, उसको शरीर थी नहीं। देखा कृष्ण कहां पर, बल बैलगाड़ी के नीचे उसने आकर सवार हो गया। बोले धीरे 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 दबाते दबाते कैसे दबा दू, बस कृष्ण पीस जाएंगे। कृष्ण ऊपर देखा, बोले भैया मामा जी आए, कंस मामा लगते है ना, और सब वहां मामा लगते, बोले मामा जी आ गए, जरूर कुछ व्यवस्था करेंगे। इतने में कृष्ण अपना जो कोमल चरण को धीरे 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 चलाया और ऐसे ठोकर मारे, वो जो बैलगाड़ी थी ना एकदम पलट गई, जितने दूध दही मक्खन सब जब बिखर गया, सारे ब्रजवासी भागते भागते आए। आंधी तूफान है नहीं, बढ़ती तो बढ़ती कैसे, लेकिन बच्चों ने देखा था, बोले भैया भैया हम बताएंगे, बोले कैसे कैसे पलटेंगे, बोले कैसे, बोले कृष्ण के चरण की ठोकर से। मैया बोले लगता है कान की बोला जाते कान की, लाला अभी 3 महीना की और इसकी चरण की ठोकर से गाड़ी पल गई, मैया को तो विश्वास नहीं। देखो यहाँ पर कृष्ण शिक्षा देते हैं, 6 दिन में उन्होंने पुतना कुमारे कृष्ण के होठ में कितना शक्ति दिखाया, और उन्हें 3 महीना में उन्होंने सगड़ा सुर कुमारे दिखाया कृष्ण की चरण में कितने शक्ति है, कृष्ण की चरण में कितने शक्ति है। इतने में मैया आकर लाला को उठा करके ले गई और कीर्तन का बीच में लेटा दी, फिर कीर्तन गाए, बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। लेकिन भैया ने क्या की, कृष्ण को उत्सव से उन्होंने अलग कर दिया। कहां लेटा थी, बोले बैलगाड़ी के नीचे। बोले घर के सामान कहां रख दिया, बोले बैलगाड़ी के ऊपर। क्या कृष्ण शिक्षा देते हैं, अगर घर में कोई उत्सव तुम्हारी हो, अगर उत्सव से मेरे को अलग कर दो, फिर क्या करोगे, घर का सामान ऊपर रख दिया, मतलब सांसारिक वस्तु को तो ऊपर कर दिया, और कृष्ण को कहां सुला दी, उसको नीचे, कृष्ण को नीचे सुला दी। कृष्ण कहते नहीं, अगर ऐसे करोगे ना घर में ऐसे ठोकर मारना सब हमारा सत्यानाश हो जाए। इसलिए जो कुछ घर में हो, घर में जो कुछ होता है भगवान को साथ लेकर कर, जैसे बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, केक कटवा रहे हो, वो केक को पहले क्या करो, ठाकुर जी को भोग लगा, कृष्ण को पहले तुलसी बना के भोग लगा दो। जैसे घर में कोई खाना बन रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सारा दुनिया को खाना खिलाएंगे, लेकिन ठाकुर जी जिसने सब कुछ दिया ना, ठाकुर लड्डू गोपाल जैसे बैठे हुए, वो भूखे में बैठे हुए, और हमने प्याज लहसुन डाल भून करके उल्टा पुल्टा करके सारा दुनिया को खिला रहे हैं, और भूत का नाच नचवा रहे हैं सबके से, और किसको पिला रहे हैं, मांस पिला रहे हैं, और उल्टा पुल्टा सब काम कर रहे हैं। नहीं,
घर में क्या करो, पहले सबसे पहले भगवान को हर चीज ठाकुर को भोग लगाओ, भोग लगा करके अरे खाओ तो घर में तुम्हारी शांति सुख तुम्हारी बनी रहेगी, ठीक है ना। देखो एक संत कह रहे थे, अब बुरा मत मानो, एक संत कह रहे थे हम कभी कभी बच्चे का बर्थडे बनाते सारा दुनिया को बुलाएंगे, पता नहीं कितने बदले करवा देते और कितने जानवर मरवा देते। वो संत कह रहे थे बोले भैया तू बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, जिसकी बच्चे को ऊपर रखे में तुमने इतने बदला तुड़वाया, बदला तुड़वाया जान कभी नहीं, शराब पिलवाया और इतने जानवर को तुमने हत्या किया, वो बच्चे का कभी कल्याण हो सकता है। वो कहते थे अगर उसको 50 साल उम्र होगा ना झट उसकी 25 साल गुजर जाएगा, क्यों, जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने बदला तुड़वाया और इतने जानवर को तुमने मरवाया। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति जितने बड़े बूढ़ों को पूछो घर में कोई भी काम शादी थाली कुछ होता था माताएं बैठ करके ढोलकी मजरा लेकर के कीर्तन करते थे, सब कुछ काम भगवान को लक्ष्य करके ठाकुर जी को ले करके सब काम करते थे। इसलिए घर में हमारी शांति सुख घर में बनी रहती थी, ठीक है ना। हर काम में ठाकुर जी को ले करके क्या करो, बस श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की जय। देखो कल है श्री गिरिराज गोवर्धन की हम पूजा कराएंगे, ठीक है ना। भागवत कथा में गिरिराज पूजन की बड़ा महत्व है, कारण क्या बोले, कारण है कृष्ण स्वयं बताए अगर कोई गिरिराज के अर्ण कुट में एक अर्ण का दाना अगर कोई ठाकुर का सेवा में लगा दिया तो किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र का अभाव नहीं पड़ेगा, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। इसलिए गिरिराज को बताया सर्व अभिष्ट प्रदाता। आप लोग गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए हैं, आप लोग गए हैं, आप गिरिराज में जा करके देखना जो गिरिराज जो शिला है ना उस शिला के ऊपर एक पत्थर को ऊपर पत्थर रखे होंगे, तो पता है क्यों पत्थर को ऊपर पत्थर रखते हैं, बोले ठाकुर जी हमें इतने मंजिले मकान देता, इसलिए उनको बताया सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब सारे इच्छाओं को जो पूरी कर देते हैं गिरिराज, जो गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 चलते हैं, इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा लगा रहा है वो क्या मांगेगा, जो मांगे गिरिराज वही ले लेता है। अभी हम कथा करने के लिए गए थे, हैं कथा करने के लिए एक जगह पर गए थे, बड़ो तो गए थे एक व्यक्ति के घर में गए थे, उसने 3 मंजिल मकान बनाया, दो मंजिल तो किराए में दे दिया, एक मंजिल में रहता है। वो कहता है महाराज में गिरिराज गया, गिरिराज गया तो परिक्रमा लगाया, परिक्रमा लगा कर गिरिराज से मैंने बोल कर कहा ठाकुर जी हमें 3 मंजिल मकान चाहिए, बोले एक साल में पता नहीं कहता यहाँ से पैसा आई, एक साल में अगर हमारी ये 3 मंजिल मकान हमारी खड़ी हो गई। वो बोल रहा था गिरिराज से परिक्रमा किया तो बोले गिरिराज के पास में जो मांगो स्त्री पुत्र परिवार दान दौलत। अब गिरिराज गए देखे होंगे पेड़ में धागा बंधा हुआ, बोले क्यों, जिनकी बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है, जिनकी बिजनेस सही नहीं चलती है, गिरिराज से जो मांगो गिरिराज की सब कुछ गिरिराज दे देते हैं, इसलिए इनका एक नाम सर्व अभिष्ट प्रदाता, बोले सारी इच्छाओं को गिरिराज ही पूरी करते हैं। इसलिए आप लोग गिरिराज गए होंगे देखना 26 घंटा वहां पर गिरिराज के ऊपर में जट्टी पुराण देखोगे क्विंटल क्विंटल दूध डालकर अभिषेक करते हैं, देखना नालियों में जैसे दूध जैसे परगला में बहती है ना तो परगला में बहते हुए दूध जा रही है। आप मुखार विद्या में देखोगे हैं मुखार विद्या में दान घाटी में देखो कितने दूध क्यों चढ़ाते हैं, फिर ठाकुर जी सबकी इच्छा को जिनकी इच्छा पूरी कर देते हैं वो आकर के ठाकुर को अभिषेक करके जाते हैं। आप देखना बार महीना गिरिराज में ये अन्नकूट बार महीना अन्नकूट चलता रहता है, कोई ना कोई आकर के देश विदेश से बार घंटा गिरिराज का अभिषेक करते रहते हैं। इसलिए भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए हमारे लिए ठाकुर जी 3 चीज छोड़ गए, आप बता सकते 3 चीज हमारे लिए क्या छोड़ गए, कौन बोलेगा हाथ उठा, जब भगवान आए थे सब कुछ तो गया लेकिन 3 चीज हमारे लिए अभी है, कौन बोलेगा बोलो, एक एक चीज बोलो, अरे बोलो किसको कोई बोल नहीं सकते, बोलो हाँ गिरिराज महाराज, और देखो भगवान हमारे लिए 3 चीज छोड़ गए कृष्ण का समय से, एक तो ये गिरिराज बाबा,
कृष्ण का समय से, क्यों इनकी इतने क्यों महिमा है? कारण है केवल एक विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी को पूजा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा किए? अपने हाथों से गिरिराज। सब दुनिया बांके बिहारी की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन बांके बिहारी परिक्रमा किसको की? गिरिराज गोवर्धन को, उन्होंने सारे ब्रजवासियों को लेकर उन्होंने गिरिराज की परिक्रमा लगवाई है। एक श्री गिरिराज गोवर्धन छोड़ कर गए, दूसरी चीज श्री यमुना पटरानी, यमुना नदी को उसी समय का ही है। तीसरी चीज जो ब्रज धाम, जो ब्रज धाम वृंदावन धाम कृष्ण का जो लीला स्थल ठाकुर जी, ये तीन चीज को ठाकुर सभी से अभी तक उन्होंने ये चीज छोड़ कर गए। इसलिए कृष्ण ने वरदान दिया, अन्नकूट में एक अन्न का दाना कर कोई भोग लगाए, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र कभी अभाव नहीं पड़ेगी, माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहेगी। इसलिए आप लोग अपना घर से कल कुछ ना कुछ बना कर लाना, जो बढ़िया चीज बना कर, जैसे हलवा पूरी हो, कोई अगर सब्जी बगैर प्याज लहसुन के, बगैर प्याज लहसुन के, नहीं तो कोई फल ले आना, नहीं तो कोई मिठाई, कुछ ना कुछ लेकर के आना। कल गिरिराज का अन्नकूट बनेगा, अब भोग लगने के बाद वो प्रसाद सब आपको मिलेगा, वो प्रसाद आप लोगों को ही वो प्रसाद मिलेगा, ठीक है? बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बेटा नहीं लग रहा है, यहाँ पर एक बच्चा का आवाज आ रहा है, कौन लगा रहा था जोर से? हाँ, और जोर से, जितने जोर से गिरिराज की जयकार लगा दो ना, उतना तुम्हारी पाप खत्म होगी और इतना पुण्य आएगा, है ना? भगवान की थोड़ी जयकार, उनका भी जय है, लेकिन जो उनकी जयकार कहते हैं उसका अपना जय होता है। बस श्री गिरिराज महाराज की जय। जैसे गिरिराज की जयकार हुई है, देखो हम लोग रोज रोज एक एक माला जप करते, एक एक माला जप करते थे, इसलिए आज भी एक माला को हम जप करेंगे, ठीक है? माला है ना, हाँ। देखो भगवान का जो नाम है ना, हाँ देखो एक मिनट एक कथा सुन लो, फिर हम लोग फिर एक माला जप करेंगे। कभी जो भगवान का जो नाम है बेटा, तो भागवत में बताया कि भगवान का नाम नहीं, तो बैठ जा बेटा, चिंतामणि कृष्ण, ये नाम को बताया कि चिंतामणि। आप लोगों ने चिंतामणि का नाम सुने हो? चिंतामणि का मतलब होता है जो चिंता करो, जो मांगो बेटा भगवान का नाम से, जो कुछ मांगो शंकर जी विश्व ब्रह्मांड को जो कुछ मांगो सो देते हैं। कहां से शंकर जी देते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जयी जपत महेशा, शंकर जी पंचमुखे राम नाम दान त्रिपुरा, शंकर जी पंचमुहे ठाकुर जी नाम जप करते हैं, इसलिए नाम की प्रभाव से सब कुछ देते हैं। बोले हनुमान जी को पास में हम जो कुछ मांगते हैं हनुमान भी दे देते हैं। बोले हनुमान जी कहाँ से लाते हैं? कोई कमाई करके लाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सुमिरी पवन सुत पाप न नामो आप न वर्ष कहे राख राम, तीन राज हनुमान जी रघुपति राघव राजा राम पति का पावन सीताराम। कहते भैया गणेश जी को सबसे पहले पूजा क्यों होता है? कारण क्या है? बोले कारण है एक समय 33 करोड़ देवता में मीटिंग हुई, सबसे पहले पूजा किसकी होगी? बोले ये विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आ जाएगा, सबसे पूजा उसकी होगी। अभी देखो अभी भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितना लड़ाई हो रहा है, अगर पूरा पृथ्वी का प्राइम मिनिस्टर हो फिर तो अगर सारे ब्रह्मांड का भूर भूव मोह जन तप सत्य अतल वितल तलातल पाताल पूरा ब्रह्मांड में सबसे पूजा किसकी होगी, कितने बड़ी बात है। बोले सबसे पहले ये ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके आ जाएगा उसकी पूजा होगी। अभी अपना अपना वाहन लेकर चल पड़े सबके सब, कार्तिक ने मयूर वाहन में, ब्रह्मा जी हंस वाहन में लेकर के उड़ पड़े, तो जो जल्दी घूम करके आएगा उसकी पूजा होगी। अभी कोई कोई एक साल दो साल पांच साल में धूमधाम करके आए। अभी गणेश जी जहाँ के तहाँ बैठे हुए, बोले क्यों? गणेश जी का वाहन कौन है? मुसल। अभी मुसल लेकर कहाँ जाए? इतने में श्री नारद जी आए, बोले क्या बात तुम यहाँ बैठे हुए कैसे? बोले जो पहले पृथ्वी को परिक्रमा करके आएगा उसकी पूजा होगी। अभी ये मुसल को लेकर कहाँ जा? भगवान नारद जी ने कहा देखो हरि से बड़ा हरि का नाम, तुम भगवान राम का नाम कृष्ण का नाम लिखो और तुम तीन बार परिक्रमा कर दो। वो तो एक ब्रह्मांड को परिक्रमा करते करते पता नहीं कितने साल में आएंगे, तुम एक ब्रह्मांड नहीं भगवान के अंदर में अनंत करोड़ ब्रह्मांड विद्यमान, तुम्हारे अनंत करोड़
ब्रह्मांड को तुमने तीन दिन पार परिक्रमा कर ली। अभी सारे देवता पसना पसना बह रहा था, घूम घाम कर गए, मीटिंग हुई, सबसे पहले कौन परिक्रमा की, इसने कहा मैं नहीं, किसने कहा तेरे से पहले मैं आ गया था, इसने कहा तेरे से पहले मैं आ गया था। इतने में गणेश जी बोले चुप रहो, तुम लोग एक ब्रह्मांड को इतने सालों में परिक्रमा करके आए, मैं तो एक मिनट में अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को मैंने परिक्रमा करके आ गया। सारे देवता तो ठाल है हसे, मुस्सक जिसका बाहन झांक ना बैठा हुआ, बोले अनंत करोड़ों ब्रह्मांड की तब से नारद जी व्याख्या किए, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। गणेश जी जय जयकार हो गया, गणेश जी की जय जयकार हो गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महिमा, हिंदी समझते हो, कौन कौन हिंदी समझते हो, देखो ये गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस में कहते हैं, बोले महिमा चासु चान धन राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, केवल नाम की प्रभाव से सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा। इसलिए ब्रह्मा जी की चार हाथ में देखना एक माला, आप माता देवी के आठ हाथ में देखना एक माला, आप सरस्वती की चार हाथ में देखना एक माला, ये दुनिया में उसका ही उतना पूजा हो रही है जो जितने ठाकुर के नाम जपती। क्यों जगत में मीरा जी इतना पूजा हो रही है, कारण क्या, क्योंकि भगवान के नाम जप करते थे। श्री नारद जी की ध्रुव प्रहलाद की इतना क्यों जगत में पूजा, क्योंकि ठाकुर के ओम नमो भगवते वासुदेव, इसलिए जिसने जितने प्रभु का नाम जप किया ना जगत में उनका उतना ही पूजा हो रही है। लेकिन अभी अभी जो नियत स्टार है ना बच्चे, कहते नहीं हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे सर, इनकी बहुत बड़ा इच्छा हीरो हीरोइन बनेंगे। बोले भैया 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे अभी कोई नाम कोई है, श्रीदेव की बात रूम में खत्म हो गई, तब तो उसको याद करेंगे। इसे देखना जितने हीरो हीरोइन कुछ दिन बाद में का सारा नाम निशान मिट जाएगा, लेकिन हनुमान का नाम निशान मिटेगा, और जो साल पहले आए ध्रुव प्रहलाद का नाम मिटेगा नहीं, तुलसीदास का नाम मिटेगा नहीं, मीरा का नाम मिटेगा नहीं, फिर जब सृष्टि होगा ना फिर इनके नाम फहराएंगे। अगर हीरो बनना तो भगवान की भक्त बन करके हीरो बन जाओ, जब तक दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारी पूजा होती रहेगी। इसलिए बोले जो भगवान का जो नाम है ना, बोले नाम चिंतामणि, ठाकुर जी के नाम को उदाहरण दिया, ये चिंतामणि, चिंतामणि मतलब है जो माधो, जो चिंता कर वही मिलेगा। हमारे गुरु जी के एक उदाहरण देकर समझाए इसको, बात एक माला जब करेंगे ध्यान देकर सुनो। जैसे हम रास्ता पर जा रहे हैं, आपके हाथ में एक थैली है, आपने देखा 700 रुपया की गड्डी में गड्डी पड़ा हुआ जिसका कोई मालिक नहीं, रास्ता रोड मेन रोड में पड़ा हुआ, आपके हाथ में एक खाली थैली, अब बताओ क्या करोगे, उठा करके ब्याज में बोले क्यों आप चोरी नहीं कर रहे हो, वो पैसा किसकी है नहीं रोड में पड़ा हुआ, जितना ठोस ठोस कर भरोगे 100 रुपया गड्डी गड्डी। लेकिन और थोड़ी दूर गई ना, देखा 500 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ जिसका कोई मालिक नहीं, फिर क्या करोगे बताओ, उसको भर करके फिर थोड़ी दूर गए, देखा 2-2 हजार की गड्डी गड्डी, फिर क्या करोगे 5 रुपया नहीं फेंक दोगे, फिर 2 हजार, देखो ये इसमें एक बहुत अच्छी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर 2 हजार गड्डी की गड्डी भरोगे, और थोड़ी दूर गए ना देखा हीरे जवाहरात बिछा हुआ, हीरे जवाहरात वहां पर पड़ा हुआ है, फिर क्या करोगे, फिर 2 हजार गड्डी को फेंकोगे, क्यों, थोड़ी सी अगर हीरे जवाहरात ले लो ना माला ही माला हो जाओ, फिर उसमें हीरे जवाहरात मारोगे। लेकिन और थोड़ी दूर गए देखा उससे भी कीमती चीज जिसका नाम कहते हैं पारस, मतलब इससे श्रेष्ठ क्या है, कहते श्री उसका नाम क्या है पारस बताए, जिसको पार नाम सुना कोई पारस पत्थर, लोहे को भी स्पर्श कराओ जिसको सोना बना देती है, आपने देखा पारस पत्थर पड़ा हुआ फिर क्या करोगे, फिर उसको फेंको, क्यों, लोहे और कितना पैसा खरीद करके लाओ उसको टच कराओ वही
सुना बन जाकर फिर पारस पथन ले जाएंगे। और थोड़ी दूर गए उससे भी कीमती चीज है भागवत माया जिसका नाम स्यमंतकमणि। बोले स्यमंतकमणि किसको कहते हैं? कहते भागवत में हम आगे सुनेंगे कि सूर्य देवता 17 चित्र दिया जिसका बेटी सत्यभामा थी, जिसमें चाल जिसमें अष्टभार सुवर्ण अपनी आप जिससे निकलता है, चट्टान सोने के चट्टान जिससे निकलता है अपनी आप उससे है वो मिला। फिर क्या करोगे? फिर उसको पारस पत्र करके क्यों लोहे लाल टच करा फिर सोना बनेगा, इसमें तो सोना अपनी आप निकलता है। फिर हम इसको भरेंगे लेकिन और थोड़ी दूर गए ना इससे भी कीमती चीज बता सकते उससे क्या कीमती चीज है? उसका नाम बताया चिंतामणि। बोले चिंतामणि मतलब क्या? पर जो स्यमंत का मणि वो आपको सोना देगा लेकिन आपकी बढ़िया बढ़िया खाने के लिए राजमा चावल शाही पनीर मटर पनीर और गर्मी का समय में जैसे क्या खाते हो मक्का की रोटी और साग बच्चा की साग खाते हो जैसे कोई बढ़िया घर बढ़िया पहनने का चीज इच्छा हो अगर आप मांगोगे ना ये स्यमंत का मणि आपको नहीं दे सकती वो केवल आपको सोना ही देगी। लेकिन चिंतामणि चिंतामणि का क्या विस्तृत तो जो चिंता करोगे जो मांगोगे वो ही तुम्हें मिलेगा। भागवत कहता भैया चिंतामणि क्या? बोले ठाकुर जी का नाम। बोले नाम चिंतामणि कृष्ण। बोले भैया अभी हमें क्यों नहीं मिल रहा है? बोले इसलिए नहीं मिल रहा है जैसे ठाकुर जी की नाम जब करनी चाहिए हम वैसे नाम जब नहीं करेंगे। अगर सही सही अगर ठाकुर का नाम जब करेंगे अपराध को छोड़ करके अगर सही सही करोगे हम जो मांगोगे ना उसको सो मिल जाएगा। इसलिए भगवान का नाम चिंतामणि। इसलिए मैंने पहले बताया था ना चैतन्य महाप्रभु जब निमंत्रण दिया बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। महाप्रभु क्या बोले? बोले सब घर में खाना नहीं खाता हूँ। बोले किसको घर में खाना खाते हो? जो लखपति बनेगा। और 5.5 साल पहले लखपति मतलब 100,000 स्वर्ण मोहर जिसको ले बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं मतलब 100 स्वर्ण और नहीं क्या हमारे घर में खाना नहीं खाओगे? भगवान समझाए जो जानते हो असली धन कौन है असली लखपति कौन है जो रोजाना 1,00,000 नाम जप करता है 1,00,000 ठाकुर जी की जो नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती है ले लगे कोई राम का प्यारा आवाज लगा लगे लगी राम नाम की रेपति महाप्रभु कहते लखपति कौन बने अब देख लो लखपति कैसे बने। इसमें 108 गोती है ये अंगुल को हम सीधा करके रखते हैं क्योंकि गंदा अंगुल ये सबसे पहले निकलता है इसको हम ऐसे सीधा रखते हैं और ये बीच वाला अंगुल को ऊपर में माला रख करके जैसे हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। इसमें एक मोती सरकार थे दो बार बोलकर दो मोती तीन बार बोलकर तीन मोती हैं। देखो कैसे लखपति होता है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये 16 बार हो गया जब एक बार नाम लिया। इसमें 108 मोती है अगर इसी माला को जैसे करते करते यहाँ खत्म हो जाती है इसको पार नहीं करके फिर घुमा देते हैं फिर दूसरे तरफ से करते हैं। अगर 16 माला कर लिया ना हिसाब से होता है 25,000 अगर 64 माला कर लिया तो हो गया 1,00,000। भगवान कहते हैं 1,00,000 नाम नहीं किया आज तुम्हारे नाम पर ब्याज में 1,00,000 रुपए डिपोज दिए। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी? बोले दीन दीन भरत सहाय पायो जीने में राम रहन। आज अगर 1,00,000 नाम करोगे ना कल तुम्हें 1,25,000 मिलेगी और 4 दिन में 2,00,000। ये धन इतनी तेजी बढ़ती है लेकिन दुनिया की पैसा कमाते कमाते शरीर छूट जाए यहाँ की 1 पैसा भी साथ में नहीं जाएगी। इसलिए असली धन प्रभु का नाम है ठीक है ना। इसलिए अब एक माला जब करते तो यहाँ पर दो छोटे बच्चे बैठे खड़े हो जाओ तुम खड़े हो जाओ तुम भी खड़े खड़े जाओ दोनों बच्चे खड़े हुए खुद उधर घूम कर खड़े हुए घूम कर खड़े हुए। देखिए दो बच्चे देखो यहाँ बैठ करके माला जब कर रहे देख रहे दो बच्चे को
हाँ देखो इनकी कितने अच्छे संस्कार हैं, हाँ इसलिए इनकी कितने अच्छे संस्कार हैं इनकी, कारण है इनका जो मैया है ना भजन करती माला करती है, इसलिए बच्चों को सत्संग में ले जाते, चलो बच्चों चलो सत्संग में चलो कथा सुनोगे माला जब करोगे, इसलिए आप लोग भी कोशिश करना अपना बच्चों को भी सत्संग में लाओ, है अगर सत्संग में लाओगे ना बच्चे तुम्हारे बिगड़ेंगे नहीं, तुम्हारे बच्चे सही रास्ता पर चलेंगे, पिता माता की आदर करेंगे, पिता माता की सेवा करेंगे, अगर नहीं तो वो बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, उल्टा पुल्टा चीज खाएंगे पिएंगे घर को सत्यानाश करेंगे, ठीक है ना। स्वयं भजन करो, पहला गुरु पिता माता, सबसे पहले संस्कार पिता माता से संस्कार बढ़ती, उसको बाद में फैल जाकर के कुछ होते हैं, पहला गुरु पिता माता, इसलिए पहले अगर पिता माता भजन करेंगे फिर बच्चों को बोल सकते एक माला खुद कर, अगर खुद नहीं करोगे तो फिर बच्चों को क्या सिखाएंगे, ठीक है ना, इसलिए सबसे भजन करना, बैठ जा बच्चे बैठ जा, हरे कृष्ण माला खान जी, जब दो तीन व्यक्ति खड़े हो गए सब माला दे, आप समझना वृंदावन में हम वाक्य दिया है कि चैप्टर में बैठे हैं और आठ वर्ष कहते हुए सबके सब माला दे, तो उसको किस खराब माला किस और एक दो हाथ कर रहे हैं, अपन फटा बंदो फटा बंदो तो किधर आ गया माला किस को हाथ में बच्चे बच्चे पास माला नहीं कोई ले और लेना नहीं मेरे को दे देना वापस दे देना, ठीक है फिर आपको जब तक रहेंगे माला करके बाद में आपको दे देते हैं, फटाफट कर दो इतना माला और माला नहीं इतने माला जिसके पास में नहीं वही ले, हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सुंदर लाल, सुंदर गोपाल, हाँ सुंदर गोपाल प्रभु हरे कृष्णा, हाँ देखो आज सभी के लिए कढ़ी और चावल है ना, हाँ सुंदर गोपाल, इसलिए आज कढ़ी चावल सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई और हमारे श्री सुंदर लाल प्रभु जी आप सब भक्तों के लिए कड़ी चावल की व्यवस्था की, आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, इनके ऊपर आशीर्वाद करें और घर में खूब